हेलो भाइयों, और क्या हाल चाल है आप लोगों का। नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है भाई। भाई मौसम देख सकते हो बहुत अच्छा हो रखा है यार, क्लाउडी हो रखा है। वैसे तो कल सारे दिन से बारिश हो रही थी, आज सुबह भी हल्की हल्की बारिश हुई थी और कल पूरे दिन फिर से बारिश है। और भाई आज का प्लान ये है कि मैं जा रहा हूँ आज बाल कटवाने अपने। देख सकते हो बहुत बड़े हो रखे हैं यार सर के बाल, तो इनको कटवा कर आते हैं। और साथ में ही आज जा रहा हूँ याक्यू खेलने। याक्यू होता है बेसबॉल। मेरा कोई प्लान नहीं था वैसे खेलने का। मेरी फ्रेंड का कॉल आया, बोले क्या कर रहा है आज तू। तो मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा हूँ घर पर ही आज। एक तो बारिश आने की वो है, ऊपर से मेरा कोई प्लान भी नहीं था तो मैं जा नहीं रहा। तो कहती है कि ऐसा करते हैं याक्यू खेलने चलती है माँ। और बढ़िया, मेरा मन भी था, बट मेरा इस महीने जाने का प्लान नहीं था क्योंकि थोड़ा सा बजट ढीला हुआ था। क्योंकि इस महीने मैंने अपनी फीस भरी है भाई स्कूल में, तो मेरा थोड़ा बजट ढीला हुआ था। तो वो कहती है चलते हैं। मैं ठीक है, तो भाई मैं बता रहा हूँ सच्ची, मैं पैसे नहीं भर रहा हूँ टिकट के, मेरी फ्रेंड दे रही है। मैंने पूछा मैं तू क्यों दे रही, क्योंकि मैंने ऐसे बताया नहीं था कि मेरा बजट ढीला हुआ है। वो कह रही कि लास्ट टाइम जब हम मिले थे जब तूने पे करा था, तो बोली मैंने कहा था नेक्स्ट टाइम मेरी बारी है, तो बोली इस बार मैं पे करूँगी। तो मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने खुद कर लूँगा पे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बोलती नहीं नहीं ये मेरी तरफ से पार्टी है, लास्ट टाइम तूने दी थी। तो मैंने कहने का मतलब भाई जपनी जैसे भी है कि याद रखती है, और मैं तो भूल भी गया था कि लास्ट टाइम मैंने पे करा था। तो भाई चलो चलते आज याक्यू खेलेंगे। और भाई तुम्हारे भाई ने लगा रखे चश्मे, वैसे तो लगाने की जरूरत नहीं है कि कोई वो नहीं है धूपधाप, फिर भी चलो मैं आज थोड़ा सा स्टाइल ही कर लेते हैं तो लगा रखे भाई। तो भाई चलते हैं आज याक्यू खेलते हैं और कटिंग करवाते हैं भाई। चलो मिलते हैं जल्दी भाई। वो चल रहा है रग्बी का मैच, ऊपर ये बैठे हुए हैं देखने के लिए। ये शायद एम्पायर एम्पायर है, देखने वाले तो नहीं है। तो भाई ये देखो नीचे ये इनकी टीम थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, वैसे तो ये अड़ा रखा है तो भाई अंदर का दिखेगा नहीं, बट हल्ला उल्ला मच रहा है तो इससे पता चल रहा है कि अंदर मैच चल रहा है। तो भाई चलो यही बताना था आप लोगों को, अब चलते हैं भाई हम भी स्टेशन के पास। वैसे भी पहुँच ही गए हैं लगभग, देख सकते हैं ये शिंजुकू में पहुँच गए भाई। यार ये तो पहली बार आया हूँ मैं इस साइड, तो पता नहीं कितना भाई ये शिंजुकू है इतना बड़ा यार। इसमें मैं बताऊँ कितनी बार आ ली शिंजुकू, मुझे तो याद भी नहीं है, और फिर भी अभी तक मैंने ये जगह देखी नहीं थी। फर्स्ट टाइम आया हूँ इस टाइम इस साइड। देख सकते हो भाई अभी जा रहे हैं रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा खाने, एक ढूंढा है मैंने बढ़िया पिज़्ज़ा मिलता है, अब जाके देखते हैं कैसा मिलेगा कैसा नहीं। कौन पिज़्ज़ा तो है नहीं यार जो मैं खाता हूँ, कोई नहीं आज साइन कर लेंगे दूसरा पिज़्ज़ा खा लेंगे भाई। चलो चलते हैं यार। लगभग रेस्टोरेंट पर पहुँच गए, ये आता हूँ जो मैंने रेस्टोरेंट ढूंढा है पिज़्ज़ा का। ये देखो भाई बाल पता नहीं अजीब से हो गए हैं जब भी आज कटवा रहा हूँ मैं। एक तो हवा बहुत जोर की चल रही है, ऊपर से मैंने तेल भी नहीं लगाया क्योंकि मैं आ रहा बाल कटवाने हैं। तो भाई हाँ मैं क्या बताया था कि अभी जा रहा हूँ ना रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा खाने, वो 500 रुपये का मिलता है, 500 येन का है भाई वो। ये देखो ये होता है जपनीज फ्रेंड का फ़ायदा, उनको सारा पता होता है कौन सी दुकान कहाँ और क्या पिज़्ज़ा मिलता है। कि जापान में पिज़्ज़ा बहुत महंगा है भाई, सबसे ज़्यादा महंगा है, 3,500 के पिज़्ज़ा तक भी है भाई। तो 500 वाले में जा रहा हूँ पहली बार, सबसे सस्ता यही है। चलो इसका और देखते हैं टेस्ट कैसा होगा। गस तो और साइजीरिया, हाँ साइजीरिया तो होकर आ गया मैं। हाँ चलो ये और देखते हैं भाई। मैं तो मार्केटिया मंगवाया पिज़्ज़ा, और जो फ्रेंड है भाई उसने ये मंगाया गुजोने की सिरासो, ये वाला भाई। ये देखो ये 500 का है लेकिन 50 रुपये टैक्स लगकर 550 का जाता है। और साथ में भाई कोला मंगवाई है मैं तो, कोला गेरी, और उसने जिंजर मंगवाई है जिंजा। तो भाई ये कोला कितने की है, ये 350 की है, 385 की हो जाएगी टैक्स लगकर, बट कोई नहीं भाई ये मंगाया। ये शॉप है, शॉप देख सकते हो। जापान की सबसे खासियत क्या होती है देखो, ये है कोला, अब इसमें देख लो ये बर्फ़ है ऊपर तक, इसमें कोला ये इतनी सी और ये सारी भाई बर्फ़ से भरी हुई है भाई सब। और ये 350 की कितनी की थी मैं बोल गया, तो देख सकते हो ये सिस्टम होता है भाई, कुछ भी ले लो यहाँ तक बर्फ भर देंगे, चीज़ इतनी तक आएगी। चलो भाई कोई नहीं पीते हैं। और ये वो निकुजुमे फ्रिटो भाई, इस डिश का नाम है, इसके अंदर है चिकन भाई, बड़ा हार्ड नाम है, बड़ी मुश्किल से याद कर लो भाई। अब खाते हैं। आ गया पिज़्ज़ा मार्गरिटो, इस पर हनी लगा दिया मैंने ऊपर शायद, अब खाएंगे भाई मजे से। देख सकते हो ये रेस्टोरेंट का बाथरूम है, तो आप लोग जापान का तो पता ही भाई बाथरूम बड़े फेमस होते हैं। देखो यार क्या लाइटिंग और की है, क्या मस्त करिए, अरे यार वाइड एंगल करना भूलिया। ये देखो
रख के यहाँ पर हाथ साफ करो, ऐसे चलेगी ये, ऐसा हो जाएगा। ये भाई सोप है और ये अल्कोहल है। ये क्यों दे रखे भाई बाथरूम में, इसका क्या काम? देख सकते हो भाई ये बल्ब है और ये सीट है ऐसे, और ये गेट है भाई, छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा है और सुंदर है भाई। देख सकते हो ये अलग अलग जापान का फेमस है भाई, इतना सारा कुछ होता है। आप लोग अलग अलग रील्स या वीडियो में देखते हो, ये तो सिस्टम हार जाएगा भाई। बढ़िया है बाथरूम, देख सकते हो भाई। चलो भाई चलते हैं बंदर। चलो भाई खा लिया पिज़्ज़ा, तो टेस्टी था यार। आप लोग देख ही सकते हो अभी मैंने वीडियो डाली है, पिज़्ज़ा के दो टाइप के खाए थे भाई, एक तो मार्गरिटो और दूसरे का पता नहीं वो क्या नाम था, मैं भूल गया उसका। हवा चल रही है भाई बहुत तगड़ी और ठंड भी लग रही है हल्की हल्की, क्योंकि भाई मैं शर्ट पहन रखा था इसलिए पहन रखा हूँ। चलो भाई चलते हैं अब यहाँ, क्यों खेलने मतलब बेसबॉल खरीद खेलने भाई। चलो चलते हैं, देख सकते हो भाई कितनी भीड़ है यार। आज ऊपर से सैटरडे संडे भी है ना, तो छुट्टी वाला दिन है यार। फर्स्ट टाइम आया मैं तो ऐसी प्लेस पे यार, देख सकते हो आप लोग। मान लो आप लोग खाता हूँ, अच्छा लग रहा है यार, जैसा भी है हवा तो बड़ी तगड़ी और बढ़िया लग रहा है। नीचे की साइड का एरिया है, जो मैं आगे की साइड रहता था, पहली बार बैक साइड में आया हूँ इस साइड भाई। देख सकते हो आ गए हैं यहाँ पर वो बैटिंग का, तो भाई हवा देख सकते हो बहुत तेज चल रही है यार, क्या पता मेरी आवाज़ भी अच्छे से ना आती हो। देख लेना भाई ये रहा भाई वो ऊपर लिखा होता है काबुकीचो, देख सकते हो बिल्कुल ये मेन सेंटर है काबुकीचो का, जहाँ हर कोई आकर वीडियो या क्योंकि फोटो खिंचवाता है भाई। मेरे पीछे देख सकते हो वो रहा काबुकीचो भाई। चलो भाई चलते हैं भाई, हम आ गए यहाँ पर चाचू खेलने। ये अलग अलग है, इस पर और बहुत सारे गेम हैं, ये भी खेल सकते हैं, बट हमें ये खेलने नहीं है। हम जिस काम के लाए हैं वही खेलेंगे खाली। ये देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये स्पीड होगी सबसे आसान यही है, 80 किलोमीटर पर की स्पीड होगी किलोमीटर की, 300 रुपये में भाई। हम 20 बॉल एक हमें अलाउड है, 20 बॉल आएंगे जैसे कि भाई खेल रहा है ऐसे भाई अलाउड। उसकी स्पीड है 110 की, वो ज़्यादा है। तो मैं फर्स्ट टाइम खेलूँगा ना, तो भाई मैंने सोचा 80 की स्पीड लेंगे सबसे कम की। तो चलो भाई अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, आने के बाद खेलेंगे हम। भाई इतना आसान सोचा था ना, उतना आसान मिला नहीं यार, थक गए उनकी। और भाई एक तो क्या अपना बैट चौड़ा होता है इनकी, 20 बॉल पहली बार ट्राई करा ना भाई, हमारे 20 में से 5 या 6 टकराई थी और नहीं टकराई भाई। एक तो स्पीड से आ रही थी, ऊपर से आई आदत नहीं है, फर्स्ट टाइम खेला कोई भाई। अभी 60 बोले खेली मैंने, 60 बॉल और खेलूँगा, 300 रुपये और डालूंगा और खेलेंगे भाई। अभी थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ, थके यार। चलो कोई नहीं फिर से खेलेंगे भाई। खेल लिए यार, आ गए वापस। ये देखो ये रहा पीछे की साइड वो रहा भाई, लेकिन अब जा रहे हैं अलग जगह, अब बाल कटवाने जा रहे हैं यार, थक गया भाई सच में। कितनी बोले खेली, 20, 40, 60 बोले खेली भाई, 60 खेली या 80 खेली, कुछ ऐसे खेली भाई। नहीं थक गए यार, पहली बार था आसान ही था, बट कोई नहीं मज़ा आया। लेकिन अब ये है कि जब भी टाइम मिलेगा ना स्कूल के बाद, संजू को पास में ही मेरे स्कूल से, जब भी टाइम मिलेगा भाई आया करूँगा इधर और खेला करूँगा। 300 रुपये में तो कुछ नहीं जाता, 300 रुपये में 20 बॉल मिलती यार। तो जब भी मौका मिलेगा 40-50 तो बॉल खेल के जाएंगे भाई। चलो भाई ठीक है चलते हैं अब बाल कटवाने यार। ये वही पार्क है जो मैंने आप लोगों को डार्क साइड वाली वीडियो में बताया था, जापान की जो डार्क साइड क्या क्या चीज़ें हैं काबुकीचो में, शिंजुकू में। तो भाई ये वही पार्क है, दिन में देख लो ऐसा कुछ नहीं मिलता है, बहुत कम चीज़ मिलती है जो मैंने आप लोगों को रात को दिखाई थी। सुनंदा अभी तो बहुत कम है, देखो एक दो ही मिलेंगी इस टाइम तो, लेकिन रात के टाइम में लाइन लग जाती है भाई यहाँ पर। ये एक ही चीज़ के लिए फेमस है जो आप लोगों को पता है भाई, मैंने बताई थी उस वीडियो में, बार बार तो क्या बताऊँ मैं। तो भाई आप लोग देख सकते हो जैसे कि मैं घर जा रहा हूँ बिना बाल कटवाए, बड़ा कूदता हुआ गया था भाई खुश होकर के, आज तो बाल कटवाऊँगा, बट अफसोस की बात है कि नहीं हो पाया यार। ये है कि खाया पिया या क्यों खेला मैं ये बेसबॉल
और भाई जब मैं तो बाल कटवाने जाने लग गया तो यहाँ पर ऐसे नहीं होता है कि आप लोग तो सीधा चले गए और बाल काट दिए, पहले ऑनलाइन रिजर्वेशन करवानी पड़ती है। जपनीज तो एक एक हफ्ता पहले ही करवा लेते हैं रिजर्वेशन, तो मैंने सोचा मैं करवा लूँगा उधर ही, मैं भूल गया बाद में करवाने लग गया। तो मुझे टाइमिंग दे रहा था 7:30 बजे से की, तो अभी बज रखे भाई 5:30, तो मैंने कहा इतनी देर तक करूँगा क्या, ऊपर से बारिश आने लगी थी और मेरी जितनी फ्रेंड थी उसको भी जाना था, तो मैंने सोचा भाई रहने दो अपना घर ही चलते हैं, किसी दिन और करवा लेंगे। वैसे एक शॉप है क्यूबी हाउस, वो 1,200 रुपये गेंद में काटती है, काटते हैं बाल, इन्हों 15-20 मिनट में काट कूट के दे देते हैं वो, मतलब इतने अच्छी तरह नहीं काटते हैं उसमें, लगभग मोस्टली भाई ओल्ड एज वाले आदमी जाते हैं, बूढ़े जपनीज बूढ़े वही जाते हैं लगभग, जवान आदमी कम ही जाते हैं, कि वो इतना अच्छा काटते नहीं है, बस नाम नाम का काट के दे देते हैं आपको। तो वहाँ मारा नहीं यार, अपने बाल ख़राब नहीं करवाने मुझे, इसलिए मैं गया नहीं। और ऊपर से भाई एक क्या है, ये वीडियो मेरी सबसे छोटी बनी होगी मेरे ख्याल से, ये 5-6 मिनट की, तो मैंने सोचा ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचता, छोटा नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई, चलते ही अपने घर और करते हैं वीडियो ख़त्म। एक थोड़ा अजीब सा बोलता हूँ मैं कि मेरी जीभ आ गई यार इधर से, तब बोला नहीं जा रहा, खाया भी बड़ा मुश्किल से गया। तो चलो भाई चलते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते हैं, पसंद आई हो तो भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना भाई, और भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, और मैं स्क्रीन पर आईडी आती होगी आपकी, सिंकुन 7521 भाई ये है इंस्टाग्राम। चलो भाई ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, बारिश तेज हो रही है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है यार फ़ोन पकड़ने में अब। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।